सत्या को सही से दूर करने के लिए अब भवानी बना रही है तगड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल गुम्हे किसी के प्यार में आगे दिखाया जाएगा कि किस तरह से भवानी जो है वो विराट से बातें करने वाली है, जहाँ भवानी विराट को बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देने वाली है और साथ ही भवानी उसको ये भी एहसास दिलाएगी कि जल्द से जल्द उसे पाखी को छोड़ के सई का हाथ थाम लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ सई जो है सत्या के घर पहुँच चुकी है, जहाँ सत्या की फैमिली सई से मिलकर बहुत खुश नजर आ रही है। तो चलिए बताते हैं सीरियल के आने वाले ट्रैक में और क्या क्या होने वाला है। भाई दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि सई जो है अब सत्या की फैमिली के बीच में जा पहुंची है, जहां सई को देखकर सबके सब बहुत खुश हो रहे हैं। बात करें सत्या की आई की, तो सत्या की आई जो है वो तो सई को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही हैं कि सई जो है सत्या के साथ इसी तरह से जिंदगी की भी नई शुरुआत कर ले जिस तरह से उसका घर में गृह प्रवेश हुआ है। तो वहीं आप देखेंगे सई जो है सबकी गलत फहमी को दूर करती है कि वो यहाँ किस लिए आई है। जब डॉक्टर सत्या उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ किस लिए आई है, क्योंकि डॉक्टर सत्या को पता है कि उनकी फैमिली जो है ज्यादा सोचने लगेगी, तभी डॉक्टर सई जो है वो बताती है कि कैसे वो उनके कैबिन में गई थी और जब वो वहाँ नहीं मिले तो उन्होंने उसे कॉल किया, लेकिन उनका फोन भी वहीं था, इसलिए उनका फोन लौटाने वो उनके घर आई है। ये सारी बातें सुनकर सत्या जो है सई की ओर देख रहा होता है, लेकिन पूरी फैमिली जो है वो तो सई को इस तरह से देखती है मानो उन्हें क्या मिल गया है। तो भाई दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलेगा किस तरह डॉक्टर सत्या जो है सई से कहते हैं कि अरे तुम्हें बस यही काम था या कुछ और भी काम है, तभी सई जो है वो कहती है कि हाँ मुझे कुछ और भी आपसे काम है। तभी डॉक्टर सत्या और सई जो है वही अलग कमरे में चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भवानी जो है वो विराट को बुलाती है, क्योंकि विराट पहले एक तरफ ये सोचता है कि आखिर वो कैसे डिवोर्स दे बाकी को। तो वहीं दूसरी तरफ जब भवानी उसे बुलाती है तो भवानी उससे कहती है कि विराट तूने फैसला लिया नहीं क्या, अगर फैसला लेना है तो जल्द से जल्द दे, क्योंकि मुझे पता है अब मेरी भी उम्र होती जा रही है और अब मुझे भी अपने तख्त यानी कि जो मेरा ओहदा है घर में उससे हट जाना चाहिए। मैं भी ये जिम्मेदारी किसी और को देना चाहती हूँ और मैं सच बताऊं तो इस जिम्मेदारी के काबिल मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे समझती हूँ। ये सारी बातें जो है भवानी विराट से कहती है, यानी कि अब भवानी की जगह जो है विराट लेने वाला है। तो वही विराट जो है वो कहता है कि मैं ऐसे कैसे करूँ, मैंने डिवोर्स के पेपर भी रेडी करवा लिए है, यानी कि अब विराट और पाखी का डिवोर्स होना भी तय है। तो वही दूसरी तरफ भवानी बहुत सारे सजेशन दे रही है, लेकिन जब भवानी को पता चलेगा कि डॉक्टर सत्या और सई की नजदीकियां बढ़ रही है तो सोचिए क्या करेगी भवानी, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई प्लान तो जरूर बनाएगी, क्योंकि इस बार भवानी जो है वो भी सई को चवान निवास की बहू बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बल आपका क्या कहना है सीरियल के आने वाले ट्रैक को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो कर लीजिए।